हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्ञान अभियान जूनियर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो कि क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9 भी है। तो हमारा जो लेक्चर नंबर चल रहा है और जो चैप्टर नंबर चल रहा है दोनों सेम चल रहा है, चैप्टर 1 लेक्चर 1। ठीक है, और एक नई चीज आप लोगों के लिए आ रही है कि हम जो है एक MCQ की जो सीरीज, MCQ प्रैक्टिस की जो सीरीज है, रैपिड MCQ प्रैक्टिस सीरीज जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो स्कूल्स में ना आपके पेपरों में MCQ का जो वेटेज है ना वो थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब MCQ आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम ना एक सेपरेट वीडियो सीरीज लाएंगे, इसमें हम हर चैप्टर के ना MCQ को डिस्कस करेंगे। जो भी मैक्सिमम इम्पोर्टेंट MCQ होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका कोई भी MCQ पेपर में मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलो अभी तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। MCQ वाली सीरीज भी आपके पास जल्द आ जाएगी, उसे भी देख लेना है एक बार। ठीक है, आपका रिविजन भी हो जाएगा और MCQ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलो इसे शुरू करते हैं। अवर एम, हमारा एम क्या है? तो पहला, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स हैं जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम देखेंगे। सेकेंड, हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे। जो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन जो है ना काफी मेन टॉपिक है, यहीं से जो मतलब मेन सवाल है ना वो बनते हैं। फर्टिलाइजेशन तो पक्का एक सवाल आना ही आना है। ठीक है, ऐसा मतलब टॉपिक है ये, तो इसको हम स्टडी करेंगे। थर्ड, हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो जायगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, वो सब हम देखेंगे, उसकी डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। फोर्थ, हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ टाइप्स देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले जो ये चैप्टर, मैं पहले आपको बता दूं कि एक स्टोरी की तरह नहीं चलने वाली है। इसमें हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे जो कि आपस में रिलेटेड है, लेकिन ये जो चैप्टर है, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर था, आपको याद होगा कि उसमें सारी एक कहानी की तरह चल रही थी। इसमें वैसे कहानी की तरह नहीं चलेगी, इसमें आपको मतलब हर चीज रिलेटेड होगी। ठीक है, समझ गए होगे आप। तो अभी देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन होती है, तो रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो उस स्पीशीज का पूरा रेस ही खत्म हो जाएगा। मान लो कि अगर ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए या ना करें, तो एक टाइम आएगा जब सारे ह्यूमंस की डेथ हो जाएगी और उसके बाद कोई फर्दर होगा ही नहीं जो कि फिर से रिप्रोड्यूस करे। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हर स्पीशीज के बारे में, जो भी एनिमल, जो भी प्लांट्स आप देखते हो, मान लो कि कोई सा एनिमल ऐसे डॉग, वो रिप्रोड्यूस करना ही बंद कर दे ग्लोबली, है ना, ग्लोबल मतलब पूरे अर्थ पे जितने भी डॉग्स है कोई रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, तो एक टाइम आएगा जब सारे डॉग्स खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहला देखते हैं, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों की, दो तरह के रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़े ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जरूरत पड़ी। एक ही तरीके से क्या सबका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स। द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यार एक बहुत सिंपल, एक बहुत ही बेसिक तरह का रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट होता है ना, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है बिना किसी गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट के। गैमेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं सेक्स सेल्स। तो गैमेट्स जो होते हैं ये मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि ह्यूमंस में होते हैं जैसे स्पर्म्स होते हैं, और वो हम आगे देखेंगे, यहाँ पे स्पर्म्स होते हैं और ये देखो यहाँ पे ओवरीज होते हैं, है ना। तो ये दो, जैसे ये दोनों क्या हो गए, गैमेट्स हो गए। तो ये दोनों क्या करते हैं, आगे चल के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वैसे ही ये जो इतना बेसिक होता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि इसमें ना सिर्फ सिंगल पेरेंट होते हैं और कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दो पेरेंट हो गए तभी एक पेरेंट ए का एक गैमेट होगा और पेरेंट बी का एक गैमेट होगा। लेकिन ये इतना बेसिक है कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट है, इसलिए कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर कोई भी गैमेट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो कुछ चेंजेस ही नहीं आएंगे। अगर दो पेरेंट होंगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स पेरेंट ए के, कुछ फीचर्स पेरेंट बी के, ऐसा होगा। लेकिन अगर हमारा जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जैसे, तो इसमें एक ही पेरेंट है, तो इसमें जो है ना, जो आगे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होके न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा, जो डॉटर ऑर्गेनिज्म आएगा, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो जाएगा पेरेंट्स की तरह, मतलब जैसे बिल्कुल कॉपी हो जाएगा बिल्कुल।
तो ह्यूमंस में क्या होता है, आप देखते होगे कि जैसे मतलब जैसे अगर कोई कपल है और फिर उनका कोई बेटा होता है या बेटी होती है, तो वो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं दिखते दोनों के, थोड़े चेंजेस आते हैं। क्यों आते हैं चेंजेस? क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, गैमेट्स इन्वॉल्व है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं आइडेंटिकली सेम होते हैं पेरेंट्स की तरह, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट हमारा है फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एक्सेट्रा। आपके जो सिलेबस में सिर्फ पहले दो हैं, बाइनरी फिजन और बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और भी कई सारे मेथड्स होते हैं जो कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये दोनों भी हम देखेंगे कि बाइनरी फिजन और बडिंग कैसे होता है, क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कौन रिप्रोड्यूस करता है, तो अमीबा और हाइड्रा जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, लिमिटेशन अब मैं इसकी बताता हूँ आपको कि जो यार असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये ना बहुत बेसिक होता है ना, बहुत लो लेवल होता है। तो लो लेवल होता है तो अमीबा और हाइड्रा दोनों सिंगल सेल्ड होते हैं, तो ये दोनों सिंगल सेल तो आसानी से ना ब्रेक हो जाएंगे, दोनों आसानी से टूट जाएंगे। जैसे कि आप बाइनरी फिशन में देखोगे कि एक ही अमीबा होता है, वो दो हिस्सों में, दो डॉटर सेल्स में टूट जाता है। लेकिन क्या ऐसा ह्यूमंस के साथ पॉसिबल है? सोचो थोड़ा, क्या ऐसा ह्यूमन या किसी बड़े एनिमल्स या किसी प्लांट के साथ पॉसिबल है कि कोई बड़ा सा पेड़ है और वो बीच से टूट जाए और फिर दो पेड़ बन जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। या कोई ह्यूमन टूट जाए और फिर दो नए ह्यूमंस बन जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे चल के जो बॉडी का जो वो है स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत लो लेवल का होता है रिप्रोडक्शन, जो कि हाइयर लेवल के ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कराने में हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रोल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ गए? जो भी यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट लिखे हैं, बस ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया तो दो इसमें पेरेंट्स आ जाएंगे, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? इसी फ्यूजन को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन के बारे में तो हम और डिटेल में देखेंगे। तो यार यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेन जो बात है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग करने वाली, यही है कि दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इन दिस प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मतलब गैमेट मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। इन दोनों के जो मेल पेरेंट है और जो फीमेल पेरेंट है, इन दोनों के गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, उसके बाद एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं जाइगोट, ठीक है। देन जाइगोट फर्दर डेवलप्स एंड डिवाइड्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। फिर जाइगोट सिंगल सेल्ड है, कोई बेबी बॉर्न होता है तो क्या वो सिंगल सेल का होता है? नहीं होता ना, पूरा उसमें मतलब और वो बॉडी काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी होती है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स भी फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन जो लाइफ शुरू होती है वो एक सिंगल सेल जाइगोट से शुरू होती है, उसके बाद फिर यही जाइगोट डेवलप करता है, उसके बाद यही डिवाइड करता है, ये सेल फिर रिप्रोड्यूस करता है और पूरी बॉडी फॉर्म होती है। तो फॉर एग्जाम्पल है हमारे एनिमल्स लाइक काउस, जो काउ होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, और ह्यूमंस भी जो है, ह्यूमंस भी तो एक तरह के एनिमल्स ही हैं, तो ह्यूमंस भी जो है वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया हमारा। स्कूल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट, इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, मैंने बता दिया, इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ऑफस्प्रिंग्स मतलब कि जो जो नया पैदा हुआ, जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, ठीक है। तो ये जो होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल आइडेंटिकल, एकदम कॉपी हो जाते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन होता है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन का बच्चा कोई एनिमल हो जाएगा, नहीं होता ना। तो जेनेटिक वेरिएशन आती है, चेंज नहीं होता, मतलब बिल्कुल कॉपी भी नहीं होता और बिल्कुल चेंज भी नहीं होता, वेरिएशन आता है। फिर फोर्थ पार्ट है, ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ये फोर्थ वाला मत लिखना। लास्ट वाला देखो, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब कि अगर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो एक मान लो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक अमीबा टूट के दो अमीबा बन गया, अब ये दोनों अमीबा
ये एक अमोबा फिर टूट के दो अमोइबा बन जाएगा और ये अमोबा टूट के फिर दो अमोइबा बन जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारे जो यहाँ प्लांट्स की जगह ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो काफी शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैरेटिवली काफी कम प्रोड्यूस हो सकते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स और टाइम भी काफी लग जाता है जनरली। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, एक स्टेप है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम टेक्स प्लेस। स्पर्म्स क्या है, मेल गैमेट, और ओवम क्या है, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो गैमेट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, मतलब ये स्पर्म क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, और ओवम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक प्लेस। फ्यूजन हो रहा है, व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विद एन एग, एग क्या है, ये ओवम, ये एग क्या है, ओवम, ऐसा रिलेट करो, ठीक है। एग रियलिटी, एग बिल्कुल ओवम नहीं है, लेकिन रिलेट करो कि एग ओवम। When sperms come in contact with an egg, one of sperms may fuse with the egg. मतलब जब sperm क्या है यार, एक single cell है, तो जब sperm produce होगा तो एक single sperm तो produce नहीं होगा ना, millions of sperms produce होते हैं, लेकिन उन millions of sperms में सिर्फ एक ही sperm होता है जो कि egg के साथ fuse कर सकता है। Such fusion of the egg and sperm is called fertilization. जब वो सिंगल एक स्पर्म और एक एग का फ्यूजन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, इसे याद रखना है। सेकेंड, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एग और जायगोट। ये जो पॉइंट है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप एनसीईआरटी खोलोगे, और मैंने जानबूझ के पॉइंट डाला है कि आप एनसीईआरटी खोलो और देखो। एनसीईआरटी जब खोलोगे तो उसमें बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि कहाँ पे न्यूक्लियस है, और वो डायग्राम जब आप देखोगे तब ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट देखो, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। अब एक और मतलब दूसरी लैंग्वेज में आपको समझा रहे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एक प्रोसेस है, एग सेल का जो कि मदर की तरफ से आता है, और स्पर्म सेल का जो कि फादर की तरफ से आता है, इन दोनों का जो मीटिंग है इसे फर्टिलाइजेशन कैसे हैं। तुम्हें जिस भाषा में समझ में आ जाए वो उस भाषा को याद रख लो, तुम फ्यूजन याद रख लो, मीटिंग याद रख लो, अलग अलग तरीके से तुम्हें समझाया जा रहा है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम मदर एंड सम फ्रॉम फादर। अब कॉमन सी बात है, कुछ चीज मदर से आया, कुछ चीज फादर से आया है, तो जो न्यू इंडिविजुअल है उसमें भी तो कुछ फादर और कुछ मदर की वो आएगी, फीचर्स आएंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, तो ये तो कॉमन बात है, ये तो आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो। अब जो फर्टिलाइजेशन होती है फर्दर दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बहुत ही सिंपल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब जो ये मीटिंग है, जो ये फ्यूजन है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होए। व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लिख लो उसको। तो ये तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो बहुत कॉमन है, ये तो आप समझ गए ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो कॉमन है। अब है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में एनसीईआरटी ने थोड़ा खास तरीके से लिखा है तो इसलिए मैं बताता हूँ। The type of fertilization in which fusion of male and female gamete take place, वही बात है, fertilization है तो fusion तो हो गई, take place outside the body of female is called external fertilization. जब यही fusion female के body के बाहर हो, female के body के बाहर हो, तो इसे external fertilization कहते हैं। For example, frog. Frog भी sexually reproduce करता है, लेकिन जो fertilization होता है वो female के body के अंदर नहीं होता। फ्रॉग इज नॉट कवर्ड, फ्रॉग्स एग्स, अच्छा फ्रॉग के जो अंडे होते हैं, इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल एंड इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग। जैसे कि नॉर्मल जो आप एग देखते हो, बत्तख का अंडा होता है, या मतलब डक का एग होता है, या हेन का एग होता है, तो वो दोनों जो होते हैं एक हार्ड टफ कोटिंग से कवर होते हैं जो कि कैल्शियम का बना होता है। लेकिन जो फ्रॉग का एग होता है वो किसी भी शेल से कवर नहीं होता है, वो क्या होता है, एक जेली से कवर होता है जो कि उससे प्रोटेक्ट करता है। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट्स स्पर्म ओवर देम। जब जो पानी के अंदर जब एग्स फीमेल छोड़ देती है, तो उसके बाद फिर मेल फ्रॉग जो है उसके ऊपर स्पर्म्स छोड़ देता है।
ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन द वाटर विथ हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। जो स्पर्म सेल होता है उसके पास, जब आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे हायर क्लासेस में, तो आपको पता चलेगा कि उसका जो होता है एक टेल भी होता है, एक हेड भी होता है उसका। तो उस टेल से वो स्विम करता है, वो मूव करता है, और उसके बाद फिर इन्हीं जो एग्स हैं उनके साथ फ्यूज करता है, और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये एक तरह का क्या हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल फ्रॉग। और जो एक्वाटिक एनिमल्स है लाइक जो वो हो गया स्टारफिश हो गया, जो आपका वो हो गया ऑक्टोपस हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, ये एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं। अब उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देख लिया, अब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं कि अगर फीमेल के बॉडी के अंदर फ्यूजन होना है तो उसके लिए कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो देखते हैं। उसके लिए एक मेल का होगा और एक फीमेल का होगा, है ना, दो मेल के, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के बीच में के गैमेट्स में फ्यूजन होना है। तो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगल टेस्टिस, टू स्पर्म्स एंड अ पेनिस। तो ये होता है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या होते हैं दो टेस्टिस, मतलब वन पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं ना, वन टेस्टिस नहीं, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, और उसके बाद फिर एक पेनिस होता है और एक स्पर्म डक्ट होता है। और इधर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बड़ा सा, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और इसके बीच में कई सारे ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये सब आप हायर क्लासेस में देखोगे। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड पॉइंट, मतलब ये आपको याद रखना है कि क्या क्या होते हैं मतलब एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। जो ये जो मेल गैमेट्स होते हैं इन्हीं को स्पर्म्स कहते हैं, और जो टेस्टिस है यहीं पे क्या होता है, टेस्टिस में क्या होता है, जो स्पर्म्स है उनका फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन होने के बाद ये स्पर्म डक द्वारा पेनिस से, पेनिस की तरह वो पेनिस से क्रॉस होता हुआ रिलीज होता है। थर्ड, द स्पर्म सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। अगर मेरे को स्पर्म की इमेज मिलती तो मैं यहाँ पे, मिलेगी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये बताना चाहिए कि स्पर्म एक बहुत छोटा सेल होता है जिसकी एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है और एक टेल होता है। वो टेल क्यों होता है, कि वो स्विम करके, कि वो तैर करके कि एग तक पहुंच सके। तो इसीलिए जो स्पर्म होता है वो मूवेबल होता है, मोटाइल होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, और इसका जो डायग्राम है ये भी याद रखना है, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। अब डायग्राम भी देखो यार, पेपर में डायग्राम भी आते हैं, तो डायग्राम भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से डायग्राम आते हैं। तो ये वाला डायग्राम और ये वाला भी डायग्राम याद रखना है, प्रैक्टिस कर लेना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ओवरी, पेयर ऑफ ओवरीज, जैसे यहाँ पेयर ऑफ टेस्टिस था वैसे यहाँ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स जिसे फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और एक यूट्रस, ठीक है। इसमें भी वही तीन चीजें हैं, बस थोड़ी अलग हैं, मतलब अलग ही हैं। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। यहाँ पे क्या करता था, टेस्टिस प्रोड्यूस करता था, क्या प्रोड्यूस करता था, मेल गैमेट्स जिसे स्पर्म्स कहते थे। यहाँ पे जो ओवरी प्रोड्यूस करता है ये फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिन्हें हम ओवा कहते हैं। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। यहाँ पे जो ओवरीज हैं यही तो है ना जो कि एग्स प्रोड्यूस कर रही है, जिन्हें हम ओवा कहते हैं, सिंगुलर ओवा। तो यही दोनों जो है ये एग्स प्रोड्यूस करती हैं, और उसके बाद जब एक सिंगल एग मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब उसके बाद यही ओविडक्ट से वो पास करता है, और फीमेल में हर मंथ एक जो एग है, एक जो ओवा है वो रिलीज होता है। फोर्थ पॉइंट है, यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। अब मान लो कि फर्टिलाइजेशन हो गया, एग और स्पर्म का फ्यूजन हो गया, अब बेबी जब फॉर्म होगा, जायगोट जब फॉर्म होगा, तो उसका डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, तो वो डेवलपमेंट होगा यूट्रस में, जो कि यूट्रस आपको यहाँ पे ये जो एरिया है दिख रहा है यूट्रस, ठीक है। आगे देखते हैं, अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब हम केस देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो हो गया, जो जायगोट है वो फॉर्म, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। फर्टिलाइजेशन हो गया, इस तरह से हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, अगर ये हो गया तो उसके बाद क्या फॉर्म होगा, जायगोट फॉर्म होगा। तो जायगोट क्या होता है, जायगोट सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल क्या होता है, सिंगल सेल वो जो बेबी है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, वो सिंगल सेल से बड़ा बनेगा, सिंगल सेल रिप्रोड्यूस करके उसकी बॉडी को फॉर्म करेगा, तो वो सिंगल सेल को कहते हैं हम जायगोट। तो द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली
टू गिव राइज टू बॉल ऑफ सेल्स. द सेल्स अगेन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इन टू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो सिंगल सेल है ना, अब ये बार बार रिप्रोड्यूस करेगा, रिपीटेडली रिप्रोड्यूस करेगा, जिससे कि कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बन जाए. टिश्यूज और सेल्स तो हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से चैप्टर 8 में, और वही टिश्यूज जो है फिर ऑर्गन फॉर्म करेंगे. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो. अब ये जो स्ट्रक्चर है, सेल्स का स्ट्रक्चर है जो डेवलप कर रहा है, इसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं. जब सिंगल सेल होता है तब जायगोट, और जब मल्टीपल सेल्स होते हैं तो एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. अब यहाँ पे जो लिखा है एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ न्यूक्लियस, कई सारी चीज ना आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि अब एम्ब्रियो को धीरे धीरे ना न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, खाना पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए वो यूट्रस के वॉल में जाके एम्बेड होता है. ये आप फर्दर क्लास में पढ़ोगे आपको, लेकिन याद रखना है कि जो एम्ब्रियो है उसके बाद फिर यूट्रस की वॉल में जाके चिपकता है, एम्बेड होता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस. सबसे पहले क्या बना? जायगोट. फिर क्या बना? एम्ब्रियो. फिर क्या बनेगा? फीटस. तो फीटस कब कहेंगे हम उसे? जायगोट कब कहा था? सिंगल में. वो एम्ब्रियो कब कहा था? मल्टीपल सेल्स में. अब फीटस कब कहेंगे? जब उस बेबी के बॉडी पार्ट्स रिकॉग्नाइजेबल हो जाएं, जब पता चल जाए कि अब इस जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो बॉडी, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, ये सब जब आइडेंटिफाई कर पाए डॉक्टर, तब उसे कहेंगे कि अब ये फीटस है. ठीक है. When the development of fetus is complete, the mother gives rise to the baby. तो ये जो लास्ट स्टेप होता है फीटस, अगर अब ये फीटस का डेवलपमेंट होगा, मतलब और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स बने होंगे, एक्सटर्नल आंख वाँख बनना होगा, तो जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो है मदर बेबी को बर्थ दे देगी. तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिम्स में होता है. द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल्स. अब यहाँ पे दो टर्म है, विविपोरस और ओविपोरस. तो विविपोरस कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ दे देते हैं, जैसे कि काउज हो गए और जैसे कि ह्यूमंस हो गए. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, जो एग्स ले करते हैं, वो होते हैं ओविपोरस एनिमल्स. ठीक है. जैसे कि फ्रॉग्स, वो अंडे देते हैं. अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यार हमने देख लिया ना, पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम देख रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़नी है हमें? दो तरीके पढ़ने हैं, दो वेज पढ़ने हैं. एक है बाइनरी फिशन और दूसरा है बडिंग. बाइनरी फिशन में क्या होता है? द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. मैं आपको समझा चुका हूँ. जो एनिमल की जगह ऑर्गेनिज्म चूज करना है, जब ऑर्गेनिज्म सिंगल ऑर्गेनिज्म दो इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बाइनरी फिजन होता है. द एमोइबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. इट इज, अब मैं बता देता हूँ आपको, जो एमोइबा वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि बाइनरी फिशन के मेथड से रिप्रोड्यूस करता है. और जब मैं आपको यहाँ इमेज में दिखाता हूँ कि जब यहाँ पे एक सिंगल पैरेट एमोइबा है और उसके बाद फिर देखो क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. अब इसका जो न्यूक्लियस है, जहाँ पे इसका सारा जेनेटिक मटेरियल और सब कुछ है, यहाँ पे जो मेन है न्यूक्लियस, वो फिर एक लंबा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. एलोंगेशन मतलब लंबा होता है, वो खिंचता है न्यूक्लियस. और उसके बाद फिर एक बड़ा सी, मतलब जो पेरेंट पौधी है उससे एक लंबी बॉडी फॉर्म हो जाती है. वही चीज यहाँ पे लिखी है कि इट बिगिन्स विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस. अब क्या हो रहा है? इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होने के कगार पे आ रहा है इनटू टू न्यूक्लियाई. उसके बाद क्या हो जाएगा? दो न्यूक्लियाई बन जाएगा. दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी. यहाँ पे क्या हो रहा है? इसकी जो बॉडी है, जो यहाँ पे ब्लू साइटोप्लाज्म और अदर ऑर्गेनेल्स है, ये भी डिवाइड हो रही है. दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इंटू टू. ईच पार्ट इज रिसीविंग अ न्यूक्लियस. और दोनों जो सेपरेट पार्ट है, दोनों को एक एक न्यूक्लियस मिल रहा है. फाइनली टू एमोइबे आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट एमोइबा. फाइनली क्या है? दो एमोइबे, जो दो डॉटर सेल्स कहते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं सिंगल पेरेंट से, और जो सिंगल पेरेंट है वो खुद में खत्म हो जाता है. अब सेकेंड प्रोसेस हमारा बडिंग. बडिंग किस में होता है? मेनली हाइड्रा में होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, कॉमनली हाइड्रा में हम पढ़ते हैं. अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम बड्स इज कॉल्ड बडिंग. अब थोड़ा सा डिफरेंट है ये. इसमें क्या होता है? ये एक हाइड्रा है. इसके हाइड्रा में ना नीचे से एक बड निकलता है, ऐसे एक बड फॉर्म होता है, और फिर वो बड ग्रो करता है.
देखो कैसे कैसे जो है बर्ड वो ग्रो करता है। उसके बाद क्या होता है, इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेस। ये बल्जेस वही है जो कि बाहर की ओर आउट ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे तो एक ही डायग्राम में दिखाया हुआ है, लेकिन एक से ज्यादा मल्टीपल भी हो सकते हैं। दीज बल्जेस आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बड्स। इन्हीं को जो कहते हैं, ये जो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे, मतलब ये एक तरह का इसका पार्ट नहीं रहेगा बाद में, ये एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं बड्स। व्हेन दीज बल्जेस डेवलप कम्प्लीटली दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जब इन दोनों का जो ग्रोथ है, मतलब कि जब इस न्यू इंडिविजुअल का जो ग्रोथ है ये कम्प्लीट हो जाएगा, तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। तो ये होता है हमारा बडिंग। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो हो जाता है एंड। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, सारे जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के बैक पेज के वो भी प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं।